नमस्कार, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा एक व दो की शिक्षक डायरी कम्बाइंड रूप से लिखी हुई है, जो 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर 2022 तक की होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना और वीडियो अधिक से अधिक साथियों के लिए शेयर करना। तो करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम हम देखते हैं 14/11/2022 में हमें क्या अंकित करना है। इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ देखेंगे कक्षा में एक दो लिखेंगे, और इसके बाद विषय जो हमारे होंगे वो भाषा, गणित, अंग्रेजी और सहपाठ्यक्रम। ठीक है, भाषा में कल्लब और किसले किताब का प्रयोग करेंगे, गणित में हम गिनतारा और गणित का प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं मौखिक भाषा में हमें क्या करना है। आज कहानी, पोस्टर, भालू और मदारी पर कार्य करेंगे, इस पर चर्चा करना है। इसके बाद डिकोडिंग में देखेंगे तो कक्षा एक में ओ की व कक्षा दो में ऊ की मात्रा पहचान पर कार्य करेंगे। लेखन कार्य में हम देखेंगे तो कक्षा एक व दो में हिंदी वर्कबुक पाठ से 85 कक्षा एक में, 83 कक्षा दो में, यहाँ पर हमें अभ्यास कार्य कराना रहेगा। सहज पठन में देखेंगे तो सहज बन से पाठ तीन तितली छात्र ये पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद होगा मध्याह्न भोजन। उसके बाद गणित में देखेंगे तो शिक्षण योजना 1, यहाँ कक्षा एक में देखेंगे तो 50 तक की संख्याओं में तुलना कर सकें, ये हम बच्चों को सिखाएंगे, छोटी बड़ी है आगे पीछे लगा सके क्रम से। इसके बाद दो संख्याओं का लंबवत रूप में बिना हासिल जोड़ सिखाना रहेगा कक्षा दो में। कक्षा एक दो में वर्कबुक पेज संख्या 116 पर और 113 पर अभ्यास पत्र 01 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। वहीं अंग्रेजी में हम देखेंगे क्लास 1 से लेसन आपका रहेगा 1, यहाँ लेसन आपका ये 7 है शायद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर कार्य करेंगे। इसके बाद सहपाठ्यक्रम में हम देखेंगे 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम से एक सुनो कहानी में आएगा, कहानी किसने सुना। ठीक है, और अब आता है हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा या फिर बच्चे सीख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं 15/11/2022 में देखेंगे यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। तो सर्वप्रथम देखेंगे मौखिक भाषा में अनुभव साझा करना, विषय रहेगी रेलगाड़ी। इसके बाद डिकोडिंग में देखेंगे तो कक्षा ए में एक में ओ की व कक्षा दो में ऊ की मात्रा पहचान पर कार्य करेंगे। लेखन कार्य में देखेंगे कक्षा एक और दो में हिंदी वर्कबुक पाठ 86 और 84 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। इसके बाद सहज पठन में देखेंगे तो सहज बन से पाठ 11 दशहरा का मेला छात्र पढ़ेंगे पाठ, मध्याह्न भोजन होगा। उसके बाद गणित में देखेंगे आज शिक्षण योजना 2 रखेंगे इस सप्ताह की, तो यहाँ कक्षा एक में देखेंगे तो 1 से 50 तक की संख्याओं को क्रमवार लगा सकें ये सिखाएंगे, और कक्षा दो में देखेंगे तो दो संख्याओं का लंबवत रूप में हासिल जोड़ सिखाना रहेगा। कक्षा एक व दो में वर्कबुक में देखेंगे पेज संख्या 114 और 117 पर अभ्यास पत्र 02 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। अंग्रेजी में आपका लेसन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स नेम पूछना रहेगा। और सहपाठ्यक्रम में हम देखेंगे तो आपका जो 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आज की जो कहानी है सुनो कहानी में टीमो और टिगू ये कहानी बच्चों को सुनाएंगे। अब आता है हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा या फिर बच्चे सीख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं 16/11/2022 में देखेंगे यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ सर्वप्रथम देखेंगे मौखिक भाषा में अनुभव साझा करना। ठीक है, त्यौहार रहेगा दशहरा का मेला। इसके बाद डिकोडिंग में देखेंगे तो कक्षा एक व दो में क्रमशः खा और ड वर्ण की पहचान पर कार्य करेंगे। लेखन कार्य में देखेंगे कक्षा एक दो में हिंदी वर्कबुक पाठ संख्या देखेंगे तो 87 और 85 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और सहज पठन में देखेंगे सहज बन से पाठ 4 भालू की चाला के छात्र ये पाठ पढ़ेंगे। गणित में शिक्षण योजना 3 रहेगी आज। कक्षा एक में देखेंगे तो 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई सिखाना रहेगा। वहीं कक्षा दो में देखेंगे तो दो संख्याओं का लंबवत रूप में हासिल जोड़ सिखाना रहेगा। इसके बाद कक्षा एक व दो में वर्कबुक पेज संख्या 115 और 118 पर अभ्यास पत्र 03 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। अंग्रेजी में देखेंगे तो आपका जो चैप्टर है कक्षा एक में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फ्रूट्स नेम पूछना रहेगा। और इसके बाद सहपाठ्यक्रम में हम देखेंगे 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम से पढ़ो कहानी में घमंडी आम इसे बच्चों को सुनाएंगे। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा या फिर बच्चे सीख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं 17/11/2022 में देखेंगे क्या हमें लिखना है। मौखिक भाषा में देखेंगे तो सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव हेतु गतिविधि कराना रहेगा।
और डिकोडिंग में देखेंगे तो कक्षा एक व दो में क्रमशः ई और ऊ वर्ण की पहचान पर कार्य कराना रहेगा। हमें यहाँ पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। लेखन कार्य में देखेंगे कक्षा एक व दो में हिंदी वर्कबुक पाठ संख्या 88-86 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। वहीं सहज पठन में देखेंगे सहज टू से पाठ 12 बबलू हाथी छात्र ये पाठ पढ़ेंगे। मध्याह्न भोजन होगा। उसके बाद गणित में देखेंगे तो आज समेकन गतिविधियां कराना रहेगा। यहाँ कक्षा एक व दो में शिक्षण योजना 1-2-3 के अनुसार जो भी गतिविधियां दी गई हैं साप्ताहिक शिक्षक संदर्श एवं कार्य पुस्तिका में उसके अनुसार कार्य कराएंगे। वहीं वर्कबुक में देखेंगे कक्षा एक दो में तो पेज संख्या 116 और 119 पर जो अभ्यास पत्रक है मैंने सीख लिया पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। अंग्रेजी में आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चैप्टर से देखेंगे तो वेजिटेबल्स नेम पूछना रहेगा। वहीं सह पाठ्यक्रम में देखेंगे तो 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम में सुनो कहानी में नीम सराय। इस सप्ताह का जो 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम है जो PDF आपको नहीं मिला है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप PDF ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट 18/11/2022 में देखेंगे यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। तो सर्वप्रथम देखेंगे मौखिक भाषा में सहज त्रि से पाठ 9 पौधों से लगाओ मौखिक कहानी सुनाना रहेगा। वहीं डिकोडिंग में देखेंगे तो कक्षा 1-2 में क्रमशः वर्ण मात्रा पहचान पर पुनरावृत्ति कार्य करेंगे और सहज पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे। लेखन कार्य में देखेंगे कक्षा 1-2 में हिंदी वर्कबुक पाठ संख्या 89-87 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। स्वतंत्र पठन में देखेंगे तो पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर से चित्रात्मक कहानी छात्र पढ़ेंगे। मध्याह्न भोजन होगा। उसके बाद समेकन गतिविधियां हम देखेंगे कक्षा 1-2 में शिक्षण योजना 1-2-3 के अनुसार गतिविधि कराना रहेगा। और गणित वर्कबुक में देखेंगे तो कक्षा 1-2 में जो आपकी वर्कबुक है 117 और 120 पेज पर हम देखेंगे यहाँ अभ्यास पत्र आपको मिलेगा, साप्ताहिक अभ्यास पर कार्य कराना रहेगा। इसके बाद अंग्रेजी में देखेंगे आपका चैप्टर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स नेम पूछना रहेगा। इसके बाद सह पाठ्यक्रम में हमारा वही 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम में आज की कहानी है पढ़ो कहानी में लाल ची चूहे जी। अब आएगा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा या फिर बच्चे सीख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं 19/11/2022 में देखेंगे यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। तो सर्वप्रथम देखेंगे मौखिक भाषा में सहज बन से पाठ 9 पतंग और बकरी मौखिक कहानी सुनाना रहेगा। वही डिकोडिंग में देखेंगे तो कक्षा 1-2 में क्रमशः आकलन और रेमेडियल पर कार्य कराना रहेगा। लेखन कार्य में देखेंगे कक्षा 1-2 में हिंदी वर्कबुक पाठ संख्या 90 और 88 पर मैंने सीख लिया एक प्रपत्र है उस पर हमें अभ्यास कार्य कराना रहेगा और वर्कबुक से ही गृह कार्य देना रहेगा। अब आता है मध्याह्न भोजन। उसके बाद गणित में देखेंगे तो पुनरावृत्ति आकलन यहाँ कक्षा 1-2 में क्रमशः आकलन रेमेडियल पुनरावृत्ति कार्य कराना रहेगा। और वर्कबुक में देखेंगे तो कक्षा 1-2 में जो पेज संख्या आपको मिलेगा 118 और 121 पर अभ्यास पत्र होगा, साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य कराना रहेगा। यहाँ वर्कबुक में गृहकारी देंगे। वही इंग्लिश में देखेंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चैप्टर से फ्रूट्स नेम लिखने का अभ्यास कराना रहेगा। अब आता है हमारा सह पाठ्यक्रम। तो यहाँ जो 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम है उसमें आज की कहानी जो होगी सुनो कहानी में गली या फिर चिड़ियाघर ये बच्चों को सुनाएंगे। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा या फिर बच्चे सीख रहे हैं। तो ये थी कक्षा 1 व 2 की कंबाइंड रूप से लिखी हुई शिक्षक डायरी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।